नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रमन शर्मा व्लॉग चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम पहुंचे हैं पंजाब स्टेट के मोगा शहर के पास चंद पुराना गांव में, जहां हम देखेंगे धन धन बाबा तेगा सिंह जी गुरुद्वारा साहिब और जानेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में रोचक बातें। ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहिब में। जैसे कि आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब का ही अनाथ आश्रम व वृद्धाश्रम है और दाईं ओर गुरुद्वारा साहिब है। आइए चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में। ये प्रतिमाएं इतिहास के पन्नों को खोलती हुई सिख धर्म को बचाने के लिए समय समय पर सिखों द्वारा दिए गए बलिदान की कहानी को बयान करती है। ये कहानी गर्जा सिंह और थोता सिंह की शहादत की कहानी को बयान करती है। ये प्रतिमाएं माई भागो की अगुवाही में 40 सिंहों की शहादत का प्रतीक है। यह बाबा बंदा बहादुर सिंह जी और 740 सिंह शहीदों की कहानी भाई दयाल सिंह की धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। ये कहानी उन सिंहनियों की महानता को बयान करती है, कैसे सिख महिलाओं ने मीर मन्नू द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करते हुए अपने धर्म की रक्षा की। भाई कन्हैया जी ने सिखों और मुगलों को पानी पिलाया। यह दृश्य सिख धर्म की उदारता को दर्शाता है। यह दृश्य भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह की वीरता को दर्शाता है कि किस प्रकार दरबार साहिब का अपमान करने वाले रंगड़ सिंह का सर कलम कर दिया। यह दृश्य भाई मतीदास जी की वीरता को दर्शाता है कि किस प्रकार उनको आरे से काट दिया पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। दृश्य भाई मोती मेहरा जी और उनके परिवार की दर्दनाक मौत का गवाह है कि किस प्रकार वजीर खान ने सिखों की मदद व सेवा करने पर उनको और उनके परिवार को कोहलू से पीस दिया गया। मीर मन्नू और जकीर खान के अत्याचारों की कहानी को दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने सिखों का पता बताने वाले को 10 रुपये, मारने वाले को 50 रुपये और सिर काटने वाले को 80 रुपये दिए। दृश्य शहीद भगत सिंह का लायलपुर लाहौर जिले की जेल का है।